कैसे हैं? मैं राकेश, आप लोगों के सामने, और आज हमारी जो टीचर्स के एग्जाम के रिलेटेड जो वीडियोस चलते हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल वीडियोस, जो कि डीएसएसबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर, नर्सरी टीचर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जो उत्तर प्रदेश का जो टीचर्स का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो NCF 2005 अभी जो लास्ट में एग्जाम हुआ था MCD का, दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली में, उसमें भी इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में राइट टू एजुकेशन को डिस्कस किया था और नेक्स्ट वीडियो मैंने NCF के लिए बोला था, तो NCF डिस्कस करते हैं। NCF होता क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और भारत में ये 4 बार अब तक ये NCF बन चुका है, प्रकाशित हो चुका है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो था वो 2005 का था। ये होता क्या है, ये एक्चुअली समय समय पे बदलते समय की मांग को देखते हुए चीजों भारत की शिक्षण पद्धतियों में बदलाव किया जाता है, और इस बदलाव के लिए आधार बनाया जाता है सरकार की शिक्षा के ऊपर नई नीतियां, नई रिपोर्ट्स, नई रिकमेंडेशंस कमेटी की, और उनके आधार पे समय समय पे पाठ्यक्रम के ऊपर एक परिचर्चा की जाती है कि पाठ्यक्रम में, मौजूदा पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया जाए। इसी तरह ये धारा आगे बढ़ती गई और 2005 तक पहुंची, 1975 से लेकर 2005, इस दौरान में सब मिला के 4 बार NCF आया। मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो सारा पाठ्यक्रम है ये किसी गाइड से या किसी मटेरियल से नहीं लिया गया, ये सारा मैंने NCF की जो बुकलेट है PDF 2005 वाली, जो NCERT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे ये कंटेंट लिया है। तो आप कंटेंट के लिए निश्चिंत रहिए, समझ गए, क्योंकि किसी भी गाइड या सच कोई ऐसे मटेरियल का नहीं है जो कट कॉपी पेस्ट मार्केट में घूमते रहते हैं, ये प्योर NCERT की वेबसाइट से लिया गया मटेरियल है, तो आप लोग को मैं अश्योर कर सकता हूँ उसको। अभी देखिए, 4 बार NCF आया, समय समय पे पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए, नई नई चीजों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, और जिसमें हम लोग के एग्जाम में खासतौर से 2005 का NCF आता है। मैंने बता दिया कि NCF को लाने के लिए क्या आधार माना जाता है, जो सरकार की तरफ से समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं शिक्षा के ऊपर, जैसे नई शिक्षा नीति हो गई 1986 वाली, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई 1966-68 वाली, उसके अलावा भी माध्यमिक शिक्षा नीतियां हो गई, या 1992 की शिक्षा नीति हो गई, या कुछ अलग अलग रिकमेंडेशन होती हैं, की रिकमेंडेशन होती हैं, उनको मोल्ड करके और एक इंक्लूसिव पुलिंदा बनाया जाता है पाठ्यक्रम का। यही होता है NCF, ज्यादा कोई बड़ी रामायण नहीं है। और 1976 से पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में आती थी, इसका मतलब क्या, 1976 से पहले जो भी एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट्स बनानी है, पॉलिसी बनानी है, वो सब राज्य के हाथ में होता था, ठीक है, NCERT का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। लेकिन 1976 के बाद जब 42वां संशोधन हुआ तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, किसमें डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, जिसके बाद की शिक्षा के ऊपर केंद्र भी नीति बना सकता था और राज्य भी नीति बना सकता है, और एक बड़ा देखा जाए तो कैनवस पे शिक्षा आई, और उसके बाद से ये डेवलपमेंट आपकी ज्यादा शुरू हुई। इसीलिए जब राज्य सूची से हटके समवर्ती सूची में शिक्षा आई थी, ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि उस वो विषय जिसपे राज्य भी कानून बना सकता है, जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है, तो उसी लिए उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक है ना, जिसपे सारा कुछ चेंज हुआ और आज भी वो शिक्षा नीति चल रही है। अब देखते हैं इसका प्रकाशन कौन करता है, NCERT करती है। NCERT क्या, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की रिसर्च और ट्रेनिंग पे जो पाठ्यक्रम है या शिक्षा में, एजुकेशन में क्या क्या नई रिसर्च है, उसका काम NCERT करती है, और इस NCF को प्रकाशित करने का या NCF के निर्माण का जिम्मा भी इनके साथ देते हैं केंद्र, ठीक है, इनको ही देता है। अब देखिए NCF का मुख्य कार्य क्या होता है, NCF का मुख्य कार्य होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, क्या करना, सिलेबस का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, डन हो गया। नेक्स्ट, पुस्तक एवं शिक्षण विधियों का विकास करना, पुस्तकों की R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और साथ में टीचिंग मेथोडोलॉजीज के लिए समय समय पर इंप्रूवमेंट के स्कोप को पैदा करना, ठीक है, ये 2 की चीजें हैं जो हर NCF का एम होता है, उनका काम ही यही होता है इसके लिए। अब देखिए NCF 2005 पे अब आते हैं, NCF 2005, नेशनल करिकुलम 2005
जो बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे इस कमेटी को इस प्रकाशन के लिए प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1993 की शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष थे जिसने लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट दिया था, बस्ते के बोझ को कम करो, जो 1992-93 में जो रिकमेंडेशन आई थी उसको ही प्रिंसिपल मान के 2005 का जो एनसीएफ था उसके इर्द गिर्द घुमाया गया, क्योंकि वो खुद ही एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनकी चीज सीधी सीधी आनी थी। इसीलिए एनसीएफ 2005 का लक्ष्य था या मुख्य एम था लर्निंग विदाउट बर्डन का प्रिंसिपल। तो एक लाइन में अगर पूछेगा कि एनसीएफ 2005 का प्रिंसिपल या थीम क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की अधिगम की प्राप्ति। मतलब क्या, बच्चों के ऊपर जो अंडियो प्रेशर डाला जा रहा है चाहे वो पेरेंट्स की ओर से चाहे वो स्कूल की ओर से, सिर्फ उनके डेवलपमेंट के नाम पे, एक्चुअल उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, बच्चों पे स्ट्रेस होता जा रहा है जिसकी वजह से ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में होते हैं और जो लर्निंग उनको मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए एनसीएफ 2005 का मेन थीम था। तो थीम क्लियर हो गई आपको, इसी फिलॉसफी पे काम हुआ। नेक्स्ट था मेनली ड्रॉ इट्स पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन, दैट इज 1986 एंड 1992। इट मींस एनसीएफ 2005 इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ 1986 एजुकेशन पॉलिसी एंड 1992 प्रोफेसर यशपाल कमिटीज रिपोर्ट। ओके, तो इस इन दोनों एनसीएफ के निर्माण में 1986 की शिक्षा नीति और 1992 की जो रिपोर्ट है यशपाल जी की, उसका यूज हुआ है। इतना डन हो गया। नेक्स्ट, एनसीएफ का मैंने बता दिया चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, यशपाल जी थे। चलिए अब इसके लक्ष्य क्या थे, यहां सब खेल शुरू होता है, क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा एमसीक्यू बन के कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो चलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट 14-15 पॉइंट थे वो लिखे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला, बच्चे के नॉलेज को स्कूल के बाहर के लाइफ से लिंक करना है। मतलब क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है। हम बच्चे को स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं वो लाइफ में यूज ही नहीं होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे सोचते थे अरे कैलकुलस एलजेब्रा, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था तो लगता नहीं था कि लाइफ में इसका हम यूज भी कर पाएंगे। इसलिए इसके लक्ष्य रखे गए कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो जरूर लिंक हो सके आउटसाइड में जो एक्टिविटी करता है। मतलब क्या, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लर्निंग होनी चाहिए। ये इसका पहला एम था, डन हो गया, समझ गया। दूसरा एम इसमें लिंक है, रोट लर्निंग को खत्म किया जाए किसी तरह, रटंत विद्या को, रट रट के समझे नहीं कि क्या है, बस उसको पढ़ लिया और अंक ले आए। इसीलिए अंक कभी अच्छा पैमाना नहीं होता है, ठीक है ना, अंक वाकई में अच्छा पैमाना नहीं होता है। अंक कहावत है कि अंक या नंबर जितना दिखाते नहीं उससे ज्यादा छिपाते हैं, तो वही बात होती है। तो रोट लर्निंग खत्म की जाए, जो टैलेंट है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिव माइंड है उसको डेवलप किया जाए, क्रिएटिव माइंड को भी स्थान दिया जाए, क्योंकि क्रिएटिव माइंड जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे अंक ले पाए, लेकिन क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छे इनोवेशंस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों का चहुमुखी विकास किया जाए, बहुत सिंपल सा वर्ड है, खूब सुना होगा आप लोगों ने, होता नहीं है विकास, लेकिन ये चहुमुखी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों मिक्स हो। मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, उसकी करिकुलर एक्टिविटी, उसके जितने क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, सब में वो इम्प्रूव करे। बच्चा अगर बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो उसे उसका भी चांस मिले, बच्चा बहुत अच्छा ओरेटर है तो उसे उसको भी डेवलप करने का चांस मिले, बच्चा बहुत अच्छा लिखता है उसे प्रमोट करने के चांस मिले, बच्चे का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो बच्चे को एकेडमिक्स मौका मिलना चाहिए, समझ रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी देश में ये बेरोजगारी क्यों है, आप एमए करवा के बच्चों को ले आइए और अगर उन्हें आप स्टेज पे खड़ा कर दीजिए तो 5 लाइन नहीं बोल पाते हैं। ये हमारी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, हा? और अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स आप 3rd डिवीजन से पास हुए हैं और आप बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी के साथ अपने को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लोगों से अच्छे से घुल मिल सकते हैं, अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीपल फैक्टर, स्टेज फैक्टर नहीं, उसका फियर फैक्टर नहीं है, तो आप माइट भी कामयाब हो जाए। यहां समस्याएं आती हैं, यहां चीजें बदलती हैं, तो यही है चहुमुखी विकास होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट, परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। फ्लेक्सिबल मतलब एक तो पूरी सक्सेस को सिर्फ कुछ चंद एग्जामों से जोड़ दिया जाता है साल भर की, और अगर उस समय कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके पास हमें बैक ऑफ करने का मौका मिलता है, प्लान बी होता ही नहीं, तो प्लान बी होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा अगर परीक्षा नहीं दे पा रहा तो उसके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी
होनी चाहिए। डन हो गया। मदर टंग का यूज बढ़ाया जाए, मातृभाषा का प्रयोग बढ़ाया जाए प्राथमिक लेवल पे, एटलीस्ट प्राथमिक लेवल पे। और जो शिक्षण की जो सूचियां हैं, जो जो शिक्षण की जो टीचिंग की जो इंडेक्सेस हैं, वो एटलीस्ट मातृभाषाओं में जरूर हो। और जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो पिछड़े एरिया है, वहां मातृभाषा को जरूर प्रमोट किया जाए, ताकि बच्चे प्राइमरी लेवल पे शिक्षण ग्रहण कर सके, ड्रॉप आउट की संख्या ना बढ़ पाए। ठीक है, इंग्लिश को पहली क्लास से स्टार्ट किया जाए। पहले जब हम लोग छोटे थे तो गवर्नमेंट स्कूल में सिक्स क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी दिल्ली में, तो कितनी बड़ी विकट आती है, मतलब छठी क्लास में एबीसीडी और सातवीं क्लास में पूरा सेंटेंस सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट को स्कूल स्टार्ट किया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच पे, मतलब प्रयोग पे, विज्ञान में प्रयोग पे जोर दिया जाए। साथ में विज्ञान का जिक्र आया है तो बोला गया प्राथमिक स्तर पे एनवायरमेंट को पढ़ाया जाए, पर्यावरण को। इसीलिए अगर आप अभी बुक देखते हैं अगर साइंस में प्राइमरी स्तर पे, तो ईवीएस कहलाती है, ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस नहीं कहलाती है, बिकॉज उसमें हमारा आस पड़ोस, हमारी सोसाइटी दिखाई जाती है, जो भी एनवायरमेंट के चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ही इंक्लूड किया जाता है प्राथमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर पे प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया जाए और साथ में ईवीएस पढ़ाया जाए, पर्यावरण पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, भाषा का तीन सूत्रीय फार्मूला जो पहले आया था वही, कि कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान करा दिया जाए 12 वर्ष की शिक्षा में। कम से कम तीन भाषा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत बहुत फेमस कॉम्बिनेशन चलता है, हमने भी तीन वर्ष की तीन भाषाओं का ज्ञान लिया है, दसवीं तक हमने भी संस्कृत पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्ड को ऑप्शनल किया जाए, जो अभी तक था लास्ट ईयर तक, माइंड ये सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन ऑप्शनल किया जाए, जो बच्चा बोर्ड देना चाहता है बोर्ड दे, जो बच्चा बोर्ड नहीं देना चाहता ना दे। ठीक है ना, देन ओके। अच्छा एक चीज बता दूं, इस एनसीएफ को पास किसने किया था, प्रूफ किसने किया था, वो एक संस्था होती है कैब, क्या होती है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसने 2008 के आसपास में इसको रिकमेंड किया, ये 2005 में रिकमेंड कर दिया था, 2008 में तो इस पर विवाद हुआ था, एनसीएफ को के ऊपर थोड़ा विवाद आ गया था कैप में 2008 में, वो हमारे लिए डिस्कस करने वाली नहीं है। तो कैप ने इसको कब अप्रूव किया था, 2005 में। चलिए नेक्स्ट, बोर्ड का ऑप्शन हो गया, पर्यावरण की प्राथमिक स्तर में शिक्षा दी जाए। ठीक है, बच्चे को आत्मज्ञान दिया जाए, सेल्फ नॉलेज उसके अपने बारे में से पता लगे, उस जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है वो अपनाई जाए शिक्षा देने के लिए। को करिकुलर एक्टिविटी, कोई डाउट नहीं, एसयूपीडब्ल्यूई क्लासेस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट है, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री। मतलब क्या, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है या भारत का जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसकी आइडेंटिटी क्या है ये बताई जाए, इसके विषय में भी बच्चों को शिक्षण दिया जाए। भारत के जो राजनीतिक मूल्य हैं, क्या लोकतांत्रिक आइडेंटिटी है, उसके बारे में भी पूरा ज्ञान दिया जाए। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर पर बता दिया, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, मतलब सार्वभौमिक एनरोलमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा दाखिले हों बच्चे, कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाए 14 वर्ष से कम का, ये इसका लक्ष्य था कि ऐसी कंडीशन बनाई जाए कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा बिना स्कूल जाए ना रह पाए, उसका एनरोलमेंट सिक्योर हो। नेक्स्ट है, बिना किसी जाति धर्म लिंग भेद के भेदभाव के बिना सबको एक समान करिकुलम मिले। मतलब करिकुलम ऐसा निर्माण हो, करिकुलम ऐसा पाठ्यक्रम बने जिसमें इस टाइप के भेदभाव की जगह ना बन पाए। पाठ्यक्रम बनाते समय इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी प्रकार से वो बायस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से वो ऐसा नहीं लेना चाहिए कि किसी खास वर्ग को, किसी खास जेंडर को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिखा है बट नॉट द लीस्ट, है ना। स्टडी ऑफ पीस का मतलब कि शिक्षा में शांति को भी यूज किया जाए, पेशेंस डेवलप किया जाए बच्चों में, योग शुरू कराया जाए, मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर करा जाए, मतलब शिक्षा के साथ साथ बच्चों में टॉलरेंस, पेशेंस, पीसफुल इवेंट्स डेवलप किए जाए। ये था हमारा एनसीएफ 2005, और बार बार कह रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में करिए, जरूरत हुई तो फिर कोई और वीडियो बनाएंगे एनसीएफ के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एजुकेशन साइकोलॉजी, वो कुछ थ्योरीज आएंगी, जो क्लियर कट जो थ्योरीज आती हैं, तो देखते हैं ब्लूमबर्ग टैक्सोनॉमी के ऊपर कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।